जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चले मैं आज कोई आपसे नसीहत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। एक बच्चा जो है उसका जन्म हुआ एक छोटे से गांव में, और उसके माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उस बच्चे ने उसी छोटे से गांव में पहली क्लास से लेकर और छठी क्लास तक वहाँ तालीम हासिल की। अब उन दिनों में जो है वो पहली जमात से लेकर पांचवी जमात तक सिर्फ सिंधी और उर्दू पढ़ाई जाती थी। अब वो जिस गांव में थे उस वक्त वहाँ पर सिर्फ सिंधी पढ़ाई जाती थी, और इंग्लिश जो है वो छठी क्लास से शुरू की जाती थी। तो जब वो बच्चा छठी क्लास में आया तो वहाँ पर उसको पहली बार ABC जो है वो पढ़ाई गई। अब वो जो बच्चा था उसके मामू जो है वो उस ज़माने में जो है वो सातवीं क्लास पास थे। अब सातवीं क्लास को जो है उस ज़माने के अंदर जो है वो फाइनल कहा जाता था, और उसकी बुनियाद पर जो है उनके एक मामू जो है वो सरकारी मुलाजिम थे। तो अब उस बच्चे की वालदा जो है वो अपने भाई को देखा करती थी कि उसका भाई जो है सिर्फ 7 क्लास पढ़ा हुआ है और वो एक सरकारी जो है ड्यूटी कर रहा है, उसकी तनख्वाह अच्छी है। उस ज़माने के हिसाब से बात हो रही है, ये कोई ज़िक्र हो रहा है आज से कोई 65 साल या 70 साल पहले के लगभग की बात है पुरानी। तो फिर उस बच्चा जो है उसकी वालदा जो है उसको नौकरी के सिलसिले में वो गांव छोड़कर जो है वो किसी और एक छोटे शहर जाना पड़ा, और वो शहर जो है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, और वहाँ पर वो बच्चा चला गया। वहाँ पर उसकी एजुकेशन हुई छठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक। अब माँ बाप तो बहुत गरीब थे, वालिद साहब भी उनके जो है फिर बाद में उनको भी एक सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन उसकी भी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी, और उनकी वालदा जो उनकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा कम थी। तो वो बच्चा जो है उसने उसके जहन में ये चीज़ थी कि उसको अपनी एजुकेशन के लिए या वैसे कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए। तो वो बच्चा छठी क्लास से ही जो है वो जॉब्स जिसे आप कहते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ कोई नौकरी वगैरह करना, तो उसने इस तरह से वो करना शुरू कर दिया था। जब वो छठी क्लास में था तो उसके भाई की जो है एक रेस्टोरेंट थी कोट गुलाम अहमद के अंदर, जिसे अब उस ज़माने में जैमसाबाद कहा जाता था, वो भी ज़िला मीरपुर खास में है। तो वो बच्चा आधा दिन वहाँ पर काम किया करता था, और उसको वहाँ पर जो है 25 पैसे रोज़ मिला करते थे। 25 पैसे आप ज़रा आज के ज़माने के हिसाब से सोच कर देखें तो, लेकिन उस वक्त जो है उसकी ये कोई 63 का जिक्र है, 62 का, तो उस वक्त उसकी थोड़ी सी वैल्यू थी 25 पैसा की। तो उसके बाद वही बच्चा जब आगे टंडो जानवन गया तो वहाँ पर उसने फिर अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैट्रिक तक जो है काफ़ी ऑड जॉब्स किए, और वहाँ पर उसने जो है पहले शुरू के दिनों में एक फ्रूट शॉप के ऊपर काम किया। वहाँ पर उसको रोज़ाना 50 पैसे मिलते थे या महीने के 15 रुपये आप समझ लें। उसके बाद जो है वो फिर एक जूतों की दुकान पर भी उसने काम किया, वहाँ पर उसकी तनख्वाह जो है 50 रुपये माहवार हुई। फिर वो ट्यूशन भी एक पढ़ाया करता था आगे जाकर, वहाँ पर भी उसको महीने के 50 रुपये मिलते थे। और फिर एक पान बीड़ी की दुकान थी, शॉप थी या कैबिन आप कहते हैं, उस पर भी वो बच्चा काम करता था, वहाँ पर उसको भी 50 पैसे जो है वो रोज़ मिलते थे। अब ये चीज़ें डिफरेंट टाइम्स पर हुई हैं, कभी कोई काम जो है छठी क्लास 7वीं क्लास में हुआ है, तो 8वीं में, तो 10वीं उसने वहाँ से पास की, और डिफरेंट जो है ऑड जॉब्स भी करता रहा ताकि थोड़ी बहुत उसको पढ़ाई में सपोर्ट हो जाए। और 10वीं उस बच्चे ने साइंस में की और अच्छे नंबरों से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। फिर उसने सोचा कि चलो मीरपुर खास चले जाते हैं, वहाँ पर जो है शाह लतीफ़ गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहाँ से उसने जो है वो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप जो है उसके अंदर उसने वहाँ से अपनी 12वीं क्लास का इम्तहान पास किया, जैसे आप क्या FSC कहते हैं,
वो तो उसने पास कर लिया, लेकिन आगे अब इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन लेना था, तो उसके लिए अब उस बच्चे को दरअसल उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था, या आप समझे अनअवेयर था कि उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो है मैरान यूनिस मैरान इंजीनियरिंग कॉलेज था उस वक्त, तो जामशोरों में, तो वहाँ पर किस तरह पढ़ाई होती है वो तो बाद में उसको आगे जाकर पढ़ा चला कि वहाँ पर पढ़ाई तो जो है बगैर खर्चे के भी हो सकती थी। लेकिन उसने एडमिशन के लिए कोशिश की, लेकिन अब कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आती रहीं, और वो बच्चा जो है अपने जो रिलेटिव्स थे वेल ऑफ थे काफ़ी ठीक ठाक, उनके दरों पर भी गया, वहाँ पर भी उनसे भी रिक्वेस्ट की, उससे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन आपको पता है जैसा कि होता है ऐसे मौके के ऊपर, तो उसको जो है सब नहीं नो कह दिया, किसी ने क्या बहाना किया कि किसी ने क्या बहाना, बहरहाल वो अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा और वापस जो है टंडो जानो में चला गया, और वो 2 साल तक उसके कज़न जो है उसको फॉर्म ला के देते रहे इंजीनियरिंग कॉलेज का कि भर दो, उसने कहा भाई भर दो दो, लेकिन जो भी महीने का खर्चा होगा या किताबें लेनी है या एडमिशन का खर्चा है या एग्जामिनेशन फॉर्म का, वो कहाँ से आएगा। तो बहरहाल तो वहाँ पर जाकर फिर उसने सोचा कि भाई चलो आगे, मैं उसके जहन में कहीं से ये आइडिया आ गया कि चलो मैं जो है बीए इसके साथ जो है बीए कर लूँगा प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, और फिर मैं एमए इंग्लिश कर लूँगा, इस तरह मैं इंग्लिश का लेक्चरर बन जाऊँगा और ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ेगी। तो वो फिर टंडो जानवान में ही उसने जो है और जॉब्स करने लग गया, एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो जैसे आप समझ लें क्लर्क टाइप का जॉब था, वो उसने वहाँ पर किया 2 साल के लगभग, और उसके बाद बस साथ ही साथ उसका बीए भी हो गया, और उसने फिर एक ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर एक अकाउंटेंट टाइप का जॉब था वो भी उसने वहाँ पर किया, एक फ्लोर मिल थी वहाँ पर उसको सो कॉल्ड मैनेजर जो है उसकी भी जॉब मिल गई, और इस तरह ये वक्त जो है सारा गुजरता गया, और फिर अचानक एक दिन जो है एक चमत्कार सा हुआ उसकी ज़िंदगी में, उसने एक फैसला कर लिया बैठे हुए अचानक के रेडियो पर कोई अनाउंसमेंट सुनी कि एडमिशन अभी भी है मैं इंग्लिश में हो सकती है, ये बात हो रही है जनवरी 1975 की, तब उसने ये तो फैसला कर लिया कि भाई एडमिशन लें जाके सिंध यूनिवर्सिटी में और एमए इंग्लिश करें रेगुलर, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। अब उस वक्त जो है वो मंथली खर्चा तकरीबन 200 रुपये के लगभग था, बुक्स का खर्चा थोड़ा अलग है, या कपड़े अगर आपने कोई सिलवाने हैं सादा भी तो भी उसका भी खर्चा होता है। तो फिर उसने उसका दोस्त एक होता था, दोस्त अभी भी है माशाल्लाह हयात हैं, और उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे फयाज अहमद खान जो है वो टंडो जानवान में, अभी तो वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन वहाँ बन गए हैं, तो उससे उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह से मैंने सोचा है बताओ किस तरह होगा। तो उसके दोस्त ने जो है वो बहुत ही एक ऐसा है बात उसको कही कि वो समझें कि जैसे ज़िंदगी में एक रूह फूंक दी जाती है, उसको कहा कि जाओ तुम जाके पढ़ो, 2 साल तो गुजर जाएंगे, पीछे तुम्हारे घर वालों पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी तुम उस वक्त जो है मेरी तनख्वाह वहाँ पर जो है ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर कोई पौने 200 200 रुपये माहवार थी, उसने कहा तुम्हारे इन पैसों से घर वालों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, 2 साल गुजर जाएंगे, तुम वहाँ पर जाकर पढ़ो और मैं जो है तुम्हें ये पैसे हर महीने जो है भिजवाता रहूँगा, या तुम आओगे घर तो यहाँ मेरे से ले लेना, या कहोगे तो बाय पोस्ट जो है मनी ऑर्डर कर दूंगा। तो वो वहाँ चला गया और उसने एडमिशन वहाँ पर ले ली, और 2 साल गुजर गए, लेकिन उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, 14 घंटे पढ़ा करता था, 14 घंटे, आप सोचते होंगे कि सर 14 घंटे कैसे पढ़ता था, तो मैं आप कहेंगे तो हिसाब कर कर बता दूंगा कि वो 14 घंटे पढ़ता था, आप भी हिसाब कर लें तो 14 घंटे पढ़ना मुमकिन है, मतलब जब यूनिवर्सिटी होती थी तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई जितने घंटे होती थी उसको माइनस करें तो बाकी के घंटे जो है आपके घर पर, रात को 2 बजे तक पढ़ता था और सुबह 6 बजे जो है वो फिर उठ जाता था, दिन को भी तकरीबन 2 घंटे के लगभग सो लेता था, तकरीबन नींद उसकी 6 घंटे इस तरह हो जाती थी। तो मेहनत जब आदमी करता है तो इस तरह होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये मेरा आज का वीडियो स्पेशली उन नौजवानों के लिए है या उन बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि भाई हम गरीब हैं तो हमारे लिए कुछ करना नामुमकिन है, तो उनके लिए ये एक मेरा मैसेज है और एक
एक एग्जाम्पल है कि भाई अगर आप भी जदोजहद करते रहें, मेहनत करते रहें, आपको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट हो, तो कहीं ना कहीं से फिर जो है रब जो है वो आपके लिए भी कोई फयाज अहमद खान जो है उसको पैदा कर देता है, कहीं ना कहीं से वो रास्ता जो है वो निकल आता है। तो मायूस कभी भी ना हो अपनी लाइफ से, अपने हालात से, हालात जो भी हो, जिंदगी जैसी भी हो, कठिन मरहला कितना भी हो, लेकिन कभी भी मायूस ना हो, मेहनत करते रहें, जदोजहद करते रहें, हार्ड वर्किंग करते रहें, और वक्त जो है वो गुजर जाता है और अच्छे दिन आ जाते हैं। तो उस बंदे ने जो है वो MA इंग्लिश भी कर लिया और मेहनत की वजह से उसने पोजीशन ली, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी सेकंड पोजीशन आई, और फिर वही बच्चा जो है वो 1977 सितंबर में जो है कैडेट कॉलेज पिटारो में जो है लेक्चरर के तौर पर उसको जॉब मिल गया। तो यूँ समझें कि वो अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है उसने जो चाह था उसमें उसको कामयाबी हो गई, और वो बच्चा जो है फिर बड़ा आदमी बनकर, बड़ा आदमी से मुराद है उस वक्त तो 25 साल का हो गया था, वैसे बड़े आदमी से मुराद नहीं, तो बड़ा आदमी तो बनना बहुत कि हर किसी को नसीब नहीं होता। तो 35 साल फिर उस बंदे ने कैडेट कॉलेज पिटारो में जो है पढ़ाई, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, और वहाँ से रिटायर होने के बाद 2012 के फिर 2 साल जो है वो हयात गर्ल्स कॉलेज में भी इंग्लिश के प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने पढ़ाया। और अब काफ़ी लोग तो समझ चुके होंगे, लेकिन अगर किसी को अभी तक भी कोई शक है तो बता देता हूँ कि वो जिस बच्चे का मैंने जिक्र शुरू किया था और जो वो बंदा जो है वो इस वक्त आपके सामने है, जिसको आप देख रहे हैं। और ये असल में मेरी ज़िंदगी की अपनी कहानी थी, जो मैं इससे पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक बार फिर आपको दोहरा कर बता देता हूँ। तो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कभी-कभी अपने मिशन के लिए चलते हुए या भागते हुए या कभी दौड़ते हुए थक जाते हैं, या कहीं उनको ऐसी फीलिंग हो जाती है कि जैसे ये नामुमकिन है या हम इसको किस तरह कर सकेंगे। तो उनके लिए एक थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करके मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि जब मेरे जैसा एक बंदा ये कर सकता है तो भाई आप भी कर सकते हैं, आप मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हैं, और लोगों ने किया है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। दुनिया के अंदर आपको पता है लाखों मिसालें हैं, लाखों क्या करोड़ों लोग होंगे, ये इतनी बड़ी दुनिया है। हमारे अपने मुल्क में भी लाखों ऐसी मिसालें होंगी, सेल्फ मेड लोग होंगे, और ये सब कुछ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप जो है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें, ताकि आइंदा भी मैं इस किस्म की वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, या और कोई सजेशन आप देना चाहें और भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा रब आप सबका हामी और नासिर हो। आप अपना और आपके इर्द गिर्द आपके जितने भी चाहने वाले हैं, स्पेशली आपके जो सीनियर्स हैं, छोटे बच्चे हैं और सब लोग हैं, दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।